सरास से भाजपा विधायक एवं पूर्व पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने अनिल शर्मा पर जो तंज कसा था उसका जवाब उनके पुत्र एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आशीष शर्मा ने दिया है। मंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान आशीष शर्मा ने कहा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा सेल्फी मोड पर नहीं बल्कि विकास के मोड पर है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आशीष शर्मा ने जयराम ठाकुर से पूछा कि वह बताएं कि ये सेल्फी मोड होता क्या है और अगर ऐसी कोई टर्म है तो वह सबसे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में इसका इस्तेमाल कर ले, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र विकास के लिहाज से पिछड़ा हुआ है और वह बीते 20 वर्षों से उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आशीष शर्मा ने कहा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने अपने गृह हल्के में जो विकास करवाया है उसे देखकर भाजपा नेता बौखलाहट में है। उन्होंने पूर्व मंत्री द्वारा पैसा खर्च न करने के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि पूर्व मंत्री ने जानकारी के अभाव में यह बयान दिया है, जबकि उन्हें मालूम ही नहीं कि इतना पैसा प्रदेश को अभी आया ही नहीं है। आशीष शर्मा ने कहा कि जितना विकास अनिल शर्मा द्वारा करवाया जा रहा है उतना भाजपा नेता नहीं कर पा पाए और इसी बात को लेकर नेता अब इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो मैं समझूंगा कि जयराम जी जो ये बात कर रहे हैं कि सेल्फी मोड में, पहले तो सेल्फी मोड क्या होता है ये वही जाने, क्योंकि ऐसा तो मैंने पहली बार ही सुना है कि सेल्फी मोड कोई टर्म होता है। मगर अगर उन्होंने कुछ ऐसा नया ये किया है सेल्फी मोड उठा के, मैं कहूँगा पहले आप अपने क्षेत्र में थोड़ा सेल्फी मोड कर लें, क्योंकि वो क्षेत्र बिल्कुल ही आज की डेट में कुदरती रूप में हमारे जिले का सबसे सुंदर जिला क्षेत्र है सराज, और ना वहाँ पर पर्यटन का कोई प्रावधान है, ना वहाँ पर सड़कें हैं, ना वहाँ पर पानी है। पूरी जो विकासकारी काम है वो ठप पड़े हुए हैं। मैं उनको अनुरोध करूँगा कि पहले आप सेल्फी मोड जरा अपने सराज में कर लें, उसके बाद मंडी में भी हम चर्चा करने के लिए कभी भी उस पर करने के लिए तैयार हैं। विकास कार्य काम हो या अन्य कोई भी काम हो उसके लिए चर्चा के लिए अनिल शर्मा जी भी तैयार है और कांग्रेस पार्टी भी तैयार है। परिवहन एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस पाली ने मनाली बस स्टैंड में इलेक्ट्रिक बस को विधिवत हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 24 सीटर बस के रोहतांग ट्रायल के दौरान मंत्री ने स्वयं 15 किलोमीटर कोठी तक सफर किया। बस में प्रशासनिक अधिकारी और एचआरटीसी के टेक्निकल कमेटी भी शामिल रही। इलेक्ट्रिक बस का विधिवत शुभारंभ करने और कोठी बस तक सफर करने के बाद मंत्री जीएस पाली ने मनाली में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एनजीटी के आदेशों का पालन कर रही है और ये इलेक्ट्रिक बसें उसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश और देश के लिए गौरव का दिन है कि इस तरह की इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे प्रदेश के मुख्यमंत्री और एचआरटीसी की पूरी टीम को बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि गोल्ड स्टोन कंपनी के ट्रायल के सफल होते ही 25 इलेक्ट्रिक बसें प्रदेश की शोभा बढ़ाएंगी। ये एक गौरव का और ऐतिहासिक दिन है, दिन आज पहली बस जो है इलेक्ट्रिक बस जो रोहतांग पास पे पहुंचेगी अभी कोठी तक। मैं अपने आप उस बस में पत्रकार बंधुओं के साथ गया था और वहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई, और मैं समझता हूँ कि अभी रास्ते में पता लगा है उसका टायर पंचर हुआ है, मगर उसके बाद वो गाड़ी रोहतांग तक जाएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहां तक गाड़ी पहुंचेगी। ये एक ऐतिहासिक दिन है और खुशी का दिन है। अब ये गाड़ियां हिमाचल की विभिन्न सड़कों पर दौड़ेंगी, जिसमें मनाली भी एक हिस्सा रहेगा, और मुझे आज टैक्सी यूनियन के लोग मिले थे, उन्होंने भी कुछ अपनी समस्याएं मेरे से बताई हैं। उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग इन सब के बीच में काम करेंगे। हालांकि इलेक्ट्रिक बस का पहले दिन का ट्रायल फेल हो गया, लेकिन अभी तक बस का ट्रायल 15 दिन चलेगा, लेकिन पहले दिन ही बस बीच रास्ते में हाँफ गई। लेकिन अगर इसका प्रदेश में सफल ट्रायल होता है तो शीघ्र ही 25 बसें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में दौड़ती नजर आएंगी। कहते हैं कि कोई बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए आपकी उम्र मायने नहीं रखती, मायने रखता है तो आपका हुनर, और अपने हुनर के दम पर 9 वर्षीय कनिष्क शर्मा ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसे हासिल करने के लिए वर्षों लग जाते हैं। 9 वर्ष की उम्र में शह और माँ का खेल खेलने वाला यह है कनिष्क शर्मा और उसकी 10 वर्षीय बहन मनिका शर्मा।
मूलतः मंडी जिला के दुर्गम क्षेत्र थाची का रहने वाला कनिष्क फिलहाल मंडी में रहता है। उसके पिता दिनेश शर्मा मंडी में एक निजी कंपनी में कार्यरत है। कनिष्क और मनिका ने मात्र 5 वर्ष की आयु से ही शतरंज का खेल खेलना शुरू कर दिया। घर में दादा, पिता और अन्य परिजनों को खेलता देखने के बाद इन दोनों बच्चों के मन में भी इस खेल के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। आकर्षण भी कुछ ऐसा कि छोटी सी उम्र में इन दोनों बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में कई मेडल अपने नाम कर लिए। और तो और, कनिष्क शर्मा ने हाल ही में जालंधर में सम्पन्न हुई शतरंज की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ऐसी चाले चली कि उसे अंतर्राष्ट्रीय वरीयता में स्थान हासिल हो गया। जब अंतर्राष्ट्रीय वरीयता की घोषणा हुई तो उसमें कनिष्क को 1003वां रैंक मिला है। कनिष्क का सपना शतरंज के माहिर माने जाने वाले विश्वनाथन आनंद के साथ मुकाबला करना है और कनिष्क इस दिशा में आगे बढ़ भी रहा है। वहीं मनिका का सपना है कि वह शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनना चाहती है। कनिष्क शर्मा अंडर 5 स्टेट में 1 बार, अंडर 7 में 3 बार, अंडर 9 में 2 कैटेगरी में प्रथम, स्टेट वर्ल्डिस में 1 बार, अंडर 11 में प्रथम व जिला स्तर पर दर्जन भर प्रतियोगिताओं में विजेता रह चुका है। उसकी बहन मनिका के नाम भी ऐसे ही दर्जनों पुरस्कार है। दोनों भाई बहन घर पर ही पढ़ाई के साथ साथ शतरंज खेलने के लिए भी समय निकाल लेते हैं या फिर अकेले हो तो ऑनलाइन चेस खेलकर अपनी निपुणता को बढ़ाते रहते हैं। परिजनों का मानना है कि प्रदेश में शतरंज जैसे खेल को बढ़ावा देने की दिशा में सरकारी स्तर पर कोई खास कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते बहुत से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश में शतरंज के बेहतर कोच न होने के कारण इस खेल के खिलाड़ी पिछड़ते जा रहे हैं। तो जब तक ये नहीं होता है, जब तक कोचिंग का कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, तब तक मुझे नहीं लगता है कोई मतलब चेस में कोई अच्छा कर सके या फिर कोई ग्रांड मास्टर का अगर कोई ख्वाब रखता है, कोई भी प्लेयर, कोई भी छोटा बच्चा या फिर सीनियर प्लेयर रखता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कोचिंग होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमारे जो पॉलिटिकल बिल होना बहुत ज़रूरी है, जो पॉलिटिकल पॉलिटिशियन है उनका थोड़ा ध्यान उपस्थित करना पड़ेगा कि भाई ये बहुत ज़रूरी है, ये मतलब कोचिंग की तरफ, ये चेस कोई गेम है। कनिष्क और मनिका ने इस खेल में जो मुकाम हासिल किया है उसे हासिल करने में वर्षों बीत जाते हैं, लेकिन इनका आगे बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है और इसके लिए इन्हें परिवार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है।